अस्सलाम वालेकुम जमात सोहेम, कैसे हैं आप साहब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन को देखते हुए अपना काम अच्छी और प्यारी लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम में भेज रहे होंगे। अब हलीम बेटा, मुझे बताएं हमने गुज़श्ता रोज़ क्या काम किया था? हमने नस्ल हम्द के बंद नंबर 3 और 4 की पढ़ाई की थी और साथ ही साथ हमने की थी हम आवाज अल्फाज। तो हम आवाज अल्फाज क्या होते हैं बच्चों? आयशा आप मुझे बताएं। हम आवाज अल्फाज वो होते हैं जो पढ़ने में एक जैसी आवाज देते हैं। हम आवाज अल्फाज वो अल्फाज जो पढ़ने में एक जैसी आवाज निकालते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर सवारे, निखारे, हारे, ये भी क्या बन चुके हैं हमारे पास हम आवाज अल्फाज। जैसे क्या है सवारे, सीन, हम एक मिसाल लिखेंगे सीन नून वाओ अलिफ रे बढ़ी रे सवारे। तो सवारे के हम आवाज अल्फाज क्या बन सकते हैं? बरीदा बेटा आप मुझे बताएं सवारे के हम आवाज अल्फाज क्या बनेंगे? शाबाश, निखारे, नून आफ दो चश्मी हे लिफा रे बढ़िए रे निखारे, सवारे निखारे। अब आप देखो सिर्फ और सिर्फ क्या है आखिरी 3 हरूफ की आवाज एक जैसी है, बाकी क्या किए हमने बाकी हरूफ को तब्दील करके लिख दिया से नून वाओ सुनो, सुनो को हमने तब्दील करके क्या लिख दिया नून काफ ए नख। संवारे निखारे और क्या हम आवाज अल्फाज बन सकते हैं इसके? अली रजा बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश, सवारे निखारे और हारे हेलिफा रे बढ़िए रे हारे, सवारे निखारे और हारे। अब आप देखो इसमें भी आवाज किसकी आ रही है बढ़िए रे और अलिफ की, हमने क्या लिखा सवारे निखारे और हारे। ये मिसाल आप अपनी नोटबुक में भी दर्ज कर सकते हैं जहां पर आपको गुज़श्ता रोज हम आवाज अल्फाज का काम दिया गया था। मिसाल नंबर, अगली मिसाल है ते अलिफ ता रे बढ़िए रे तारे, ये अल्फाज है और हम उनके क्या बना रहे हैं हम हे मिम हम आवाज अल्फाज हम आवाज अल्फाज। अब हमारे पास लफ्ज है तारे, तो तारे के हम आवाज अल्फाज क्या बनेंगे? तैयबा बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश, क्या हम आवाज अल्फाज बनेगा? नून जोए मिर्जा तोए जोए, नून जोए अलिफा रे बड़ी रे निजारे तारे नजारे। अब आप देखो संवारे में भी हम लिख सकते थे तारे, संवारे निखारे हारे, उसी तरह देखो इसी इन अल्फाज के भी आखिर में अलिफ रे और बढ़िए है तारे नजारे। और क्या बन सकता है इसका हम आवाज अल्फाज? दुआ बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश, सीन अलिफ सा रे बढ़िए रे सारे तारे निजारे और सारे। आप इन दो मिसालों को भी अपनी नोटबुक में दर्ज कर सकते हैं जो आपने गुज़श्ता रोज काम में लिखे थे। अब हम जाएंगे अपने आज के काम पर जो कि क्या है नस्ल हम्द में आने वाले मुश्किल अल्फाज की इमला। आज हम क्या करेंगे नस्ल हम्द में आने वाले मुश्किल अल्फाज की इमला करेंगे
और ये लव्स आप लोग अपनी नोटबुक में दर्ज करेंगे। देखो ये बच्चों, जब आप लोग आप एक लव्स को एक बार वीडियो लेसन में देखकर पढ़ेंगे और उसी लव्स की जो होगी दोहराई वो अपनी नोटबुक में करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी जो इमला में गलतियाँ होती हैं वो 100% नहीं तो 80%, 80% नहीं तो 70% ठीक हो जाएंगी। जो आपके काम करने का तरीका होगा वो ये है कि आपने ऊपर लिखना है 20 मई 2021, आज की तारीख लिखेंगे जो कि है 20 मई 2021, जमात का काम और दिन है जुमेरात। जमात स्वयं आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने आज की तारीख लिखनी है, दिन लिखना है और जमात का काम, चूँकि आप वीडियो लेसन को देखते हुए काम कर रहे हैं इसलिए आप लोग लिखेंगे जमात का काम। अब हम जाएंगे अपने काम पर, जो कि हैं आपने लिखना है नज्म हम्द, नून, ज़ोए, मीम, नज्म, हे, मीम और दाल, हम नज़्म कर रहे हैं हम लोग। हम की क्या कर रहे हैं, इमला के अल्फाज अलिफ मीम लाम अलिफ ला हमजा, इमला के अल्फाज। हिबा बेटा आप पढ़े क्या लिखा हुआ है पहले बार में, खुदा की कुदरत के हैं नज़ारे। क्या लिखा हुआ है, खुदा की कुदरत के हैं नज़ारे। तो पहला हमारे इमला का लफ्ज़ क्या होगा, मोटी काफ दाल रे और ते। अब आप देखो काफ़ी बच्चे इसमें ये गलती करेंगे पतली काफ डालने की, लेकिन इसमें कौन सी काफ इस्तेमाल होती है, मोटी काफ, मोटी काफ दाल कुत रे ते रत कुदरत, काफ पेश दाल कुत रे ते रत कुदरत। क्या है लफ्ज़ हमारे पास, कुदरत, कुदरत के हैं नज़ारे। तो नज़ारे कैसे बनता है फैजान बेटा, आप मुझे बताएं नज़ारे कैसे बनेगा। शाबाश, नून ज़ोए अलिफ ज़ा रे बढ़िए रे नज़ारे। कुदरत का क्या मतलब होता है, दुनिया, कुदरत का मतलब क्या होता है, दुनिया, और नज़ारे का मतलब क्या था सबा बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश, नज़ारे का मतलब क्या था, मंजर, मीम नून ज़ोए और रे मंजर। अगला आगे बढ़े कासिम, क्या लिखा हुआ है, शाबाश, क्या लिखा हुआ है, जमीन पे फूल आसमां पे तारे। जमीन मेरे ख्याल से सब बच्चों को लिखना आता है, आसमां पे तारे। आगे अमार बेटा आप पढ़े क्या लिखा हुआ है, समय है ये कैसे प्यारे प्यारे। समय का मतलब क्या होता है अमार बेटा आप मुझे बताएं, शाबाश, समय का मतलब होता है वक्त, और यही आपकी इमला का लफ्ज है सीन मीम बढ़िए में समय। समय का मतलब क्या होता है, वाओ मोटी का ते वक्त, जमीन पे फूल आसमां पे तारे। बल नंबर दो की पढ़ाई कौन शुरू करेगा, बुरहान बेटा आप शुरू करें। वो सारे संसार, क्या है लफ्ज, सन सीन नून सन सीन अलिफ सारे संसार, वो सारे संसार का खुदा है, वो सारे संसार। तो संसार का मतलब क्या था, ताहा बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश, संसार का मतलब क्या था, दुनिया, संसार का मतलब क्या था, दुनिया, और यही आपकी इमला का लफ्ज़ है सन सीन नून सन सीन अलिफ सा रे संसार।
संसार का मतलब क्या था सुलेमान बेटा, आप मुझे बताएं। शाबाश, संसार का मतलब था दुनिया। अगला जुमला कौन पढ़ेगा? मोहित बेटा आप पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? सब उसकी कुदरत ही से बना है। सब उसकी कुदरत से ही बना है, उसी की कुदरत ने है निखारे। निखारे नी नहीं नखारे, क्या है लफ्ज? निखारे। सायरा बेटा निखारे का क्या मतलब होता है? शाबाश, निखारे का मतलब होता है सजाए। आगे पढ़े हमने सलीम बेटा, आप पढ़े क्या लिखा हुआ आगे? जमीन पे फूल आसमां पे तारे। बल नंबर तीन की पढ़ाई करेंगे सुभान। सुभान बेटा आप पढ़ना शुरू करें, क्या लिखा हुआ है? शाबाश, ये बाग ऐसे खिलाए किसने? ये बाग ऐसे खिलाए किसने? चिराग ऐसे जलाए किसने? तो अगला हमारे लाभ कौन सा लाभ है? जे रे अलिफ गैन, चिराग। सातवां लफ्ज है, चिराग को हम कह सकते हैं दिए, जो क्या है? तेल से जलते हैं चिराग। जे रे अलिफ गैन, चिराग। उसके बाद है जीम लाम अलिफ ला हमजा बढ़िए है, जिलाए। जिलाए के बाद खिलाए, हम कहते हैं ना फूल खिल रहे हैं, तो वही लफ्ज है खिलाए, जलाए और चिराग। आगे पढ़े मेरा बेटा, आप पढ़े आगे क्या लिखा है? ये सब खुदा ही ने है संवारे। ये सब खुदा ने ही है संवारे, जमीन पे फूल आसमां पे तारे। ये सब खुदा ही ने है संवारे, जमीन पे फूल आसमां पे तारे। शावेस बेटा आप अगले बंद की पढ़ाई करें, क्या लिखा हुआ है? शाबाश, खुदा की अजमत के गीत गाओ। क्या है? खुदा की अजमत। अजमत का क्या मतलब होता है? फालिया बेटा आप मुझे बताओ अजमत का क्या मायने होता है? बढ़ाई। अजमत का क्या मायने होते हैं बच्चों? बढ़ाई बयान करना, मतलब हम क्या करेंगे? अल्लाह ताला की अता की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। अजमत का क्या मायने है? बढ़ाई। खुदा की वहदत के गीत गाओ। अजमत के बाद अगला लफ्ज क्या है? वहदत। वहदत का क्या मतलब होता है? सारे बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश, वहदत का क्या मतलब होता है? एक। वहदत का क्या मतलब होता है? एक। खुदा की करते हैं हम सारे, जमीन पे फूल आसमां पे तारे। हम का मतलब क्या होता है? तारीफ बयान करना। क्या करना? तारीफ बयान करना। ये आपके 10 अल्फाज इमदा के हैं। उम्मीद करती हूँ इनको पढ़ने में और वीडियो लेसन को देखकर लिखने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब हम जाएंगे अपने काम पर। हमारा जो आज का काम है वो है नज्म हम की मश्क के सवाल नंबर 2। आपने क्या समझा? नज्म के मुताबिक खाली जगहों में दुरुस्त अल्फाज लिखकर मिसरे मुकम्मल करें। तो क्या सवाल नंबर 2, नज्म के मुताबिक खाली जगह में दुरुस्त अल्फाज लिखकर मिसरे मुकम्मल करें।
अनाया बेटा आप मुझे बताएंगे पहले हिस्से में क्या आएगा? वो सारे डैश का खुदा है। फिर से जुमला सुन ले अनाया बेटा, वो सारे डैश का खुदा है। शाबाश, क्या आएगा? वो सारे संसार, वो सारे संसार का खुदा है। हम क्या करें? मश मीम शीन काफ, मश। सवाल नंबर दो, क्या है? मिसरे मुकम्मल करें, इसमें पहला मिसरा क्या था? वो सारे डैश का खुदा है। और अनाया बच्चों ने हमें हमें बताया था कि क्या आएगा खाली जगह में? खाली जगह में आएगा सीन उन सन, सीन अली सा रे, सन सा, वो सारे संसार का खुदा है। खुदा की डैश के गीत गाओ, खुदा की डैश के गीत गाओ। अब फरहान बेटा आप मुझे बताएंगे कि इसमें क्या आएगा? शाबाश, क्या आएगा? खुदा की अजमत, क्या आएगा? आइन जोए मीम ते अजमत, खुदा की अजमत के गीत गाओ। अगला मिसरा है उसी की कुदरत नहीं है डैश, उसी की कुदरत नहीं है डैश, क्या आएगा? आईमा बेटा आप मुझे बताएं क्या आएगा इस मिसरे में? खुदा की कुदरत ने है डैश। शाबाश, क्या आएगा? संवारे, सीन नून वाओ अलीफ रे बड़ी रे, संवारे, खुदा की कुदरत ने है सवारे। अगला किस्सा पढ़े आईमा बेटा आप पढ़े क्या लिखा हुआ है? जमीन पे फूल आसमां पे डैश, डैश मतलब खाली जगह। जमीन पे फूल आसमां पे डैश। सो कासिम बेटा आप मुझे बताएं क्या आएगा खाली जगह में? शाबाश, क्या आएगा? जमीन पे फूल आसमां पे तारे, ते अलिफ ता रे बढ़िए रे तारे। खानसा बेटा अगला जुमला आप पढ़े क्या लिखा हुआ है? शाबाश, खुदा की डैश के हैं नजारे, खुदा की डैश के हैं नजारे। सो अर्शमान बेटा आप मुझे बताएं कि क्या आएगा खुदा की डैश के हैं नजारे? खुदा की डैश के हैं नजारे, क्या आएगा? कुदरत। तो क्या मैंने ये सुलेमान बेटा आप मुझे बताएं क्या ये कुदरत ठीक लिखा है? क्या ये मैंने ठीक लिखा हुआ कुदरत? जी नहीं, शाबाश। तो कौन सी काफ आएगी? मोटी काफ। तो क्या हुआ? मोटी काफ दाल रे और ते कुदरत। अगला मिसरा पढ़ेंगे फरहान बेटा आप पढ़े क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? खुदा की करते हैं डैश सारे, खुदा की क्या करते हैं हम सब लोग? वो तो इस नज़्म का नाम भी है। चलें जल्दी से मुझे बता दें फरवा आप मुझे बताएं बेटा हम क्या करते हैं खुदा की? शाबाश, क्या करते हैं? हम
हे मीम दाल। हम उम्मीद करती हूँ इमदाद के अल्फाज और मिसरे मुकम्मल करने का काम करने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।